अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 18, टेम्परेचर, हीट एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रॉब्लम 66, एवेपोरेटिव कूलिंग ऑफ बेवरेजेस। यानी एक कोई आपके पास पीने वाली कोल्ड ड्रिंक है, जो बेवरेजेस हम कहेंगे, उसे हम ठंडा कर सकते हैं गर्म दिन पे, कैसे? अगर हम उसे पोरस सिरेमिक कंटेनर के अंदर वो गिर जाती है और जिसमें पानी भरा हुआ है, तो जो एनर्जी लॉस होगी एवोपरेशन मैचेस में, वो नेट एनर्जी उतनी होगी जितनी वो गेन करेगा वाया रेडिएशन एक्सचेंज थ्रू द टॉप एंड द साइड सर्फेसेस। अब क्या है जी, जो कंटेनर है बेवरेजेस का, वो उसका टेम्परेचर 15 सेल्सियस है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 32 है, कंटेनर सिलेंडर शेप में है, रेडियस दे दिया गया, हाइट दे दी गई है, अप्रोक्सीमेट एब्सिसिविटी दे दी गई 1, अदर एनर्जी एक्सचेंजेस को निगलेक्ट कर रहे हैं, डीएम ओवर डीटी हमसे मांगा जा रहा है। अब जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो 15 सेल्सियस है, केल्विन में 288 हो जाएगा, एनवायरनमेंट का 305 हो जाएगा। अब जो हमारे पास रेडिएशन कंडक्शन का टूल है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए पावर 4, अब आपके पास जो सरफेस एरिया वो दो, एक टॉप का होगा और एक साइडों का होगा, टॉप का पाई आर स्क्वायर, साइड्स का 2πRH हो जाएगा, इसको हम डीएम ओवर डीटी से निकलेंगे, तो आपके पास रेडिएशन जो पावर रेडिएट पावर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में डाल देंगे, तो इस सारे के ऊपर वैल्यूज लग जाएंगी। अब सारी वैल्यूज ही तकरीबन मालूम है हमारे पास, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी मालूम है, इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 6.8 × 10⁻⁷ केजी पर सेकंड आ जाएगा। तो ये जना हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आप इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।